वेलकम बैक टू माय चैनल। और पूरे 40 दिन हो गए मुझे वीडियो बनाए हुए, बहुत पहले बनाया था और आज जाके मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो गैप है वो 40 डेज का है लगभग। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दुर्गा पूजा था और ड्यूरिंग दुर्गा पूजा मैं कोई भी वीडियोस बनाता नहीं हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता बाहर जाकर वीडियो शूट करने का भी और घर पे वीडियो बनाने का भी, क्योंकि अपना बिजनेस है तो उसको भी देखना पड़ता है। और उसी दौरान हम लोग का जो चैनल है ये टीम मिक्स भी, इसमें पूरे हो गए हैं 10K सब्सक्राइबर्स, पूरे के पूरे 10K सब्सक्राइबर्स। यार ये मेरा सपना भी नहीं था और ये सब कुछ हुआ है आप सभी लोगों की वजह से, तो थैंक यू सो मच। दिल से खुशी तो मिल रही है लेकिन एक्सप्लेन कैसे करूँ मुझे पता नहीं। और हमारे जो केसी भाई हैं उन्होंने भी कहा था, यू सी गेटिंग टू 10,000 सब्स इज द हार्डेस्ट थिंग टू डू ऑन YouTube बिकॉज़ एट जीरो नोबडी इज ट्यूनिंग इन, नोबडी केयर्स, एंड एट 10,000 इट मींस यू बिल्ट अ मीनिंगफुल ऑडियंस। और ये वाला जो पार्ट है वो मैंने काफी पहले देखा था और मैंने तब मैंने सोचा नहीं था कि मेरे चैनल पे भी कभी 10K सब्सक्राइबर्स होंगे। तो फिलहाल अभी देखते हैं आके और कितने सब्सक्राइबर्स होते हैं। तो मेन टॉपिक पे आते हैं और आज का जो वीडियो है वो है अपनी नई होंडा ग्राजिया जिसकी मैं डिलीवरी लेने जा रहा हूँ, मतलब मैं जा चुका हूँ, उसके बाद ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इसका जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आ गए हैं होंडा की शोरूम पे। ना ना राखी दी पे तो बोलो तो अगर आपको इस स्कूटी के ऊपर होंडा ग्राजिया VS6 के ऊपर जो नया मॉडल है मैंने वो ही लिया, ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का है, पता नहीं होंडा उसे क्या कलर बोलते हैं। तो अगर आपको इसके ऊपर एक डिटेल रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट पर ज़रूर बताना, और अगर आप नहीं भी बताएंगे तो भी मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर एक डिटेल रिव्यू। अभी का जो वीडियो है वो कुछ नहीं है, बस डिलीवरी लेना है। और जो प्राइस है वो मैं आपको बताता हूँ, मैंने कैश में लिया। तो मैंने जो मॉडल लिया वो टॉप मॉडल है जो डिस्क ब्रेक के साथ आता है और एलॉय व्हील है इसमें। तो इसका जो प्राइस है वो मुझे ऑन रोड 98,215 रुपीज़ पड़ा। जी हाँ, 15 रुपीज़, उन्होंने 15 का भी डिस्काउंट नहीं दिया। हम तो 200 डिस्काउंट लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो भी नहीं मिला, ऊपर से 15 रुपीज़ भी देना पड़ा। तो प्राइस काफ़ी तगड़ा है, एकदम फिक्स्ड है, पता नहीं ऐसा क्यों। और उससे पहले मेरे पास और एक भी स्कूटी थी, हीरो मेस्ट्रो, जो मैंने लिया था काफ़ी पहले 2014 में लिया था मैंने उस स्कूटी को, और तब से लेके मैं चला रहा हूँ उसको। और वो मैंने लिया था अपने HS फर्स्ट ईयर में, तो काफ़ी सारे मेमोरीज जो हैं वो उसके साथ जुड़े हुए हैं। मैंने अभी सोचा कि इसको सेल कर देते हैं और एक नया स्कूटी लेते हैं क्योंकि चेंज करना भी ज़रूरी है, कोई एक जाएगा तो दूसरा कोई आएगा। तो नया स्कूटी लाने से पहले मैंने इसको सेल नहीं किया, मैंने अपने RS 200, अपने मेस्ट्रो और जो नया मैंने होंडा ग्राजिया लिया है तीनों को मैंने एक साथ रखा है एक दिन के लिए, क्योंकि कभी मैं अपना वीडियो देखूंगा तो मुझे पता तो चलेगा कि एक टाइम पे मेरे पास ये 3 व्हीकल्स थी। और जब ये वीडियो अपलोड होगा तब तक मेरे जो मेस्ट्रो है वो जा चुकी होगी। तो ये हमारी अमर, ये है अकबर और ये है एंथनी। आज शाम को ये चला जाएगा, तब सिर्फ अमर और अकबर ही रहेंगे। तो मैंने सोचा इससे पहले एक फ़ोटो निकाल लेते हैं तीनों की एक साथ। इसका जो ये सरफेस माउंट है इसको मुझे निकालना है क्योंकि ये चली जाएगी तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसे निकाल लेता हूँ। ये 3M टेप जब चिपकती है तो बहुत ही हार्ड चिपकती है, निकल इधर ना टूट जाए। ये रही 3M टेप की ताकत। और मेरी जो बाइक है वो चालू नहीं हो रही, सेल्फ है वो काम नहीं कर रहा, तो अभी मुझे इसे धकेल के घर तक उठाना पड़ेगा। काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे मेरे वीडियोस पे कि भाई शाउट आउट दो, तो शाउट आउट जो है वो मैं दूंगा अपने अगले वीडियो में, वो वीडियो होगा अपनी ग्राजिया की रिव्यू वीडियो, तो उसमें मैं शाउट आउट दूंगा। और अगर आप में से किसी लोगों को भी शाउट आउट चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, आभार देखा हो नेक्स्ट वीडियो तक।